कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद हमने डिस्कस किया था सीजीएस यूनिट, आफ्टर द डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसका इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर के ऊपर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बोला था कि अगर हम बात करें उसमें डिफरेंट हमने लेयर्स ली, उसकी वेलोसिटी विस्कोसिटी भी क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, विस्कोसिटी भी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो अगर हम सॉलिड सरफेस की बात करें कि विस्कोसिटी अगर किसके कंटेक्ट में है, सॉलिड सरफेस के कंटेक्ट में है, तो विस्कोसिटी उसमें क्या होगी कम होगी। जैसे ही हम अपवर्ड मूव करेंगे उसकी विस्कोसिटी क्या होगी इंक्रीज करती जाएगी। सो द वेलोसिटी इज मिनिमम व्हेन इट इज इन कंटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द लेयर। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने दो लेयर्स ली थी पी एंड क्यू, उसमें हमने बोला था लेट अस कंसीडर टू लेयर्स मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड वी प्लस डीवी। उसकी वेलोसिटीज क्या थी वी और वी प्लस डीवी, और हमने बोला पी पॉइंट पर पी लेयर का डिस्टेंस है एक्स, और जो इनके बीच की सेपरेशन है पी और क्यू लेयर के बीच की उसका हमने लिया था डिस्टेंस एक्स प्लस डी एक्स। तो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगर हम उसमें ले तो फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट एरिया पे, और सेकंड हमने बोला था इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसके बाद हमने क्या किया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने उसकी जगह नीटा लगा दिया था। नीटा क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था एफ इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाय डीएक्स, वे डीवी बाय डीएक्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड नीटा इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एंड कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। उसके बाद अगर हमने बोला इसमें एरिया हमारा क्या है 1 मीटर स्क्वायर और डीवी बाय डीएक्स इट मींस वेलोसिटी ग्रेडियंट को हमने लिया किसके इक्वल लिया था उसमें 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 मीटर, तो इसमें हमारा फोर्स किसके इक्वल आ गया था न्यूमेरिकली इक्वल टू नीटा विच इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो नेक्स्ट इसमें हमने सीजीएस यूनिट की और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है विस्कोसिटी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमने दो किए थे गैसेज और लिक्विड्स। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लूइड फ्लो। अगर हमारा कोई भी लिक्विड अगर हमारा मोशन में और वो डेफिनेट उसकी डायरेक्शन क्या है डेफिनेट है, तो वो हमारी टर्म क्या होगी दैट टर्म इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। सो इसमें भी क्या होगा फ्लो ऑफ लिक्विड्स, अगर ये इसका फ्लो कॉन्टिन्यूज हो रहा है लिक्विड का बट उसकी क्या है सभी के टाइप्स क्या है डिफरेंट है, वो डिपेंड करती है कि वेलोसिटी का लिक्विड की वेलोसिटी क्या है और उसका नेचर कैसा है लिक्विड का। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे मोशन ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। सो हियर वी विल राइट मोशन ऑफ लिक्विड, मोशन ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन तो वो टर्म हमारी क्या होगी कि हमारा लिक्विड क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। तो किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड करता है कि इसका लिक्विड की वेलोसिटी क्या है और उसका नेचर क्या है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द, इट डिपेंड्स अपॉन द जितना ज्यादा उसको गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा वो कम फ्लो करेगा
will be its flow. So more viscous will be the viscosity. Your more viscous is the liquid. जितना ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा वो गाढ़ा होगा लिक्विड उतना ही क्या वो कम फ्लो करेगा. इज द लिक्विड लेस विल बी इट्स फ्लो. इसका अगर हम एग्जांपल लें, वॉटर फ्लो फ्रॉम अ बोटल. अगर हमने वॉटर का एग्जांपल लिया और एक साइड हमने लिया हनी का एग्जांपल, तो वॉटर इजिली फ्लो कर जाएगा बोटल में. अदरवाइज अगर हम एक साइड देख के हनी का लिए एग्जांपल, तो हनी क्या है, गाढ़ा होता है, मोर विस्कस है, तो ये कम फ्लो करेगा एज कंपेयर टू वॉटर. सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वॉटर एंड हनी, तो इसमें क्या होगा, एग्जांपल वॉटर फ्लो इन अ बोटल. वॉटर फ्लो करेगा, अगर हम बोटल में ले वॉटर, वो इजिली फ्लो कर जाएगा विद मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू हनी फ्रॉम अ बोटल. विद मोर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. विद मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू honey from a bottle. Honey from a bottle. तो fluid flow क्या है? Fluid flow एक ऐसा motion है liquid का जिसकी एक तो particular direction होती है, उस term को हम बोलते हैं fluid flow. और इसमें हमने क्या discuss किया, that flow of liquid is of different type. Flow of liquid क्या है? different types का होता है. ये डिपेंड करता है कि उसकी लिक्विड की वेलोसिटी क्या है और उसका नेचर कैसा है लिक्विड का. अगर तो वो विस्कस ज्यादा है, मींस ज्यादा गाढ़ा है, तो वो कम फ्लो करेगा. इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल ये कि वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है एक बोतल में, तो वो क्या है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली एज कंपेयर टू हनी. अगर हम हनी की बात करें, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी. सो ये है हमारा फ्लूइड फ्लो. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रीमलाइंस. स्ट्रीमलाइन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रीमलाइन क्या है, एक पाथ है, जो पाथ है स्ट्रेट है और कर्व्ड है. उसमें से क्या है, टेंजेंट का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी क्या है, वो डायरेक्शन शो होती है कि लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. सो स्ट्रीमलाइन मे बी डिफाइंड एज अ पाथ. अ स्ट्रीमलाइन मे बी डिफाइंड एज अ पाथ, मे बी डिफाइंड एज अ पाथ, एज द पाथ स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट और कर्व. The tangent at any point, the tangent at any point, at any point. ये क्या है, स्ट्रीमलाइन क्या है, या तो ये अपने पाथ में होगा, या स्ट्रेट होगा, या क्या होगा, कर्व्ड होगा. और उसके बीच में क्या होगा, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट में. वो क्या बताएगा हमें, उसकी कि कौन सी डायरेक्शन में लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. इट गिव्स द डायरेक्शन, gives the direction of flow of liquid, gives the direction of flow of liquid. कि कौन सी डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी उस पॉइंट में. सो पाथ को क्या होगा, द पाथ ए बी सी इज अ स्ट्रीम लाइन. तो वो पाथ हमारा क्या होगा, स्ट्रीम लाइन होगा, जिसमें क्या हमें टेंजेंट के थ्रू लिक्विड की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो कौन सी पाथ में फ्लो कर रहा है लिक्विड. तो वो पाथ हमारा स्ट्रीमलाइन होगा वो वाला पाथ हमारा. तो दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो इसमें हम पाथ लेंगे, थ्री पाथ, ए बी और सी. हमने क्या बोला, स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज ए
स्ट्रेट और कवर्ड और कर्व्ड डिपेंडिंग अपॉन द, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इसमें हम थ्री पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। थ्री पॉइंट्स कौन कौन सी है, ए बी और सी, और उसकी क्या है टेंजेंट है एक दूसरे के। टेंजेंट क्या ड्रॉ बताती है, डायरेक्शन बता रही है, और स्पीड क्या है इनकी, वेलोसिटी क्या है v1 v2 vg। ए पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, b पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, और c पॉइंट पर वेलोसिटी है v3।
पार्ट ऑफ द लिक्विड का इन ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू सेम पाथ ये इसका पाथ भी क्या होगा सेम होगा पासिंग थ्रू सेम पाथ विद सेम वेलोसिटी इसमें क्या होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसे टाइप का लिक्विड है जिसमें हर एक पार्टिकल का पाथ भी सेम होगा और वेलोसिटी भी क्या होगी सेम होगी पिछले वाले पार्टिकल से एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट सेम पाथ एंड विद सेम वेलोसिटी एंड with same velocity as the preceding particle of the liquid at a given point at through the same point जो पिछले वाले particles थे उसकी velocity क्या होगी सेम होगी सभी पॉइंट्स पे सभी पाथ्स पे प्रीसीडिंग पार्टिकल्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट सो इसमें हम एग्जांपल लेंगे लेट ए बी सी पाथ लिया हमने लेट किया उसमें क्या ए बी सी हमने ये पाथ लिया एग्जांपल हमने क्या लेट ए एट पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी वन एट पॉइंट ए So the velocity of particle क्या होगी पार्टिकल की वी वन कहां पर पॉइंट ए पर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी वन इज एट पॉइंट ए वी टू एट पॉइंट बी वी टू एट पॉइंट बी एंड वी थ्री एट पॉइंट सी और वेलोसिटी वी थ्री होगी कहां पर पॉइंट थ्री पर and velocity v3 at point C and velocity क्या होगी इसमें v3 होगी किस पे point C पर so if all the preceding particles while passing through points A B C velocities along same line तो उस type of liquid को हम बोलेंगे streamline flow or steady flow of liquid if all the preceding particles while passing through point A B C if All the preceding particles, if all the preceding particles while passing through points A, B, C, along the same path. अगर ए बी सी पॉइंट्स पास कर रहे हैं सेम लाइन पे जिसकी वेलोसिटी भी क्या होगी अलोंग द सेम वेलोसिटी विद सेम पॉइंट्स देन दिस फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो ए बी सी अलोंग द सेम वेलोसिटी वेलोसिटीज इसमें क्या है वेलोसिटीज में हमने लिया है वी वन वी टू एंड वी थ्री then this type of liquid then this type of flow of liquid this type of flow of liquid is called steady flow is called steady flow or streamline flow steady flow or streamline flow पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, b पॉइंट पर वेलोसिटी है v2 और c पॉइंट पर वेलोसिटी है c तो हमने क्या लिखा द
एग्जाम्पल वी वन इज एट पॉइंट ए, वी टू इज एट पॉइंट बी एंड वी थ्री इज एट पॉइंट सी. सो इफ द प्रोसीडिंग पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी, अगर हमारे पहले वाला पार्टिकल है जो हमारा प्रोसीडिंग पार्टिकल है जो तो वो पास कर रहा है, उसके पॉइंट्स पास कर रहा है, ए बी सी पॉइंट्स है उसके जिसकी वेलोसिटी है वी वन वी टू वी थ्री, तो उस टाइप ऑफ लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के लिक्विड को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो. प्रीसीडिंग पार्टिकल जो आने वाला आगे वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर हमारी ए बी सी पॉइंट्स पर उसकी वेलोसिटी होगी वी वन वी टू वी थ्री, तो उस टाइप के लिक्विड को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो ये था हमारा स्ट्रीमलाइन का टॉपिक, और उसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रीमलाइन फ्लो. उससे पहले हमने डिस्कस किया फ्लूइड फ्लो क्या होता है. फ्लूइड फ्लो में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डेफिनेट होती है. डायरेक्शन इसमें डेफिनेट होगी, उस टाइप के लिक्विड को हम बोलेंगे फ्लूइड फ्लो. वो डिपेंड करता है कि हम वेलोसिटी वेलोसिटी लिक्विड की वेलोसिटी क्या है और उसका नेचर कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है, उस टर्म को हम बोलेंगे फ्लूइड फ्लो. स्ट्रीमलाइन में हमने बोला इसका पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए या कर्व्ड होना चाहिए, और टेंजेंट हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी लिक्विड की डायरेक्शन हमें पता चल जाए कि कौन सी फ्लो डायरेक्शन में लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसलिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो वो हमने डिस्कस किया स्ट्रीमलाइन, और उसमें हमने क्या बोला कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो. ट्यूब ऑफ फ्लो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाइप ऑफ फ्लो क्या होता है, और इसको बोल सकते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. पाइप ऑफ फ्लो में जिसमें बहुत सारे बंडल्स ऑफ स्ट्रीमलाइंस हो विद सेम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स ओवर एनी क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. मतलब उसमें बहुत सारी क्या है स्ट्रीमलाइंस हो और उसकी वेलोसिटी क्या हो लिक्विड की सेम हो, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस पाइप ऑफ फ्लो, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. पाइप ऑफ फ्लो, पाइप ऑफ फ्लो, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और ट्यूब ऑफ फ्लो, और ट्यूब ऑफ फ्लो.
लिक्विड को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी अ लिक्विड पोजेसेस हैविंग अ एक ऐसा लिक्विड जो क्या पोजेस करे स्ट्रीम लाइंस पोजेस ए स्ट्रीम लाइन फ्लो व्हेन अ लिक्विड इज व्हेन इट्स जब इसकी वेलोसिटी कम हो किससे पर्टिकुलर वेलोसिटी से उस टाइप ऑफ वेलोसिटी को हम बोलेंगे या उस टाइप के लिक्विड को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. अ लिक्विड पोजेसेस वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. सो इससे नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.